बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियां अता फरमाए, अल्लाह कामयाबी दे। और जितने भी मेरे सपोर्टर है जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। तो दोस्तों, आज मैं जहां आपको लेकर आया हूं, इस जगह का नाम है झील पार्क। तो झील पार्क इसे क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप यहां का नज़ारा कर लीजिए कि ये कितना खूबसूरत पार्क है। ये देखिए, बहुत ही बड़ा जो है ये अच्छा खूबसूरत पार्क बनाया गया है। दोस्तों, इसे झील पार्क इसलिए कहा जाता है कि ये इस पूरे जगह पे यहाँ पे एक झील हुआ करती थी, जहाँ पे पानी हुआ करता था और बहुत सारी झाड़ियाँ होती थी यहाँ पे। तो यहाँ की जो इंतज़ामिया है या सिटी हुकूमत थी, तो उन्होंने यहाँ पार्क बनाया। पार्क ऐसा बनाया कि पहले झील का जो पानी था उसे टैंकरों के ज़रिए निकाला गया, लेकिन पानी जो है फिर भी जो है बढ़ता गया, क्योंकि झील थी, पानी कम नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ जो है इसकी भराई कर दी जाए। तो बहुत मेहनत के बाद इसकी भराई की गई और यहाँ का पानी जो है वो मतलब है कि खुश किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत पार्क बन चुका है। मैं आपको नज़ारा कराता हूँ पार्क का, तो इसलिए इसे झील पार्क कहा जाता है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ और भी बहुत सारे जगह दिखाता हूँ। देखिए, बहुत खूबसूरत यहाँ लोग वॉक करने आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है लोग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही मज़ा आता है सुबह सवेरे यहाँ पे आके, है नमाज पढ़ने के बाद लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं, वॉक करते हैं, गपशप लगाते हैं और अपनी जो है सेहत बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो आप भी कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आता है और सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो खुश रहिए, और आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। Thank you.
जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपसे गुजारिश की जाती है हमेशा की तरह कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।